विदिशा से विपुल प्रजापत की रिपोर्ट। विदिशा में शिवसेना की बैठक हुई जिसमें विदिशा के विधानसभा प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह सिसोदिया बनाए गए। विदिशा विधानसभा 144 में सत्येंद्र सिंह जी ने बताया, हमारी पार्टी शिवसेना की एमपी में सरकार बनाएगी और हमने जो बात किए हैं वह पूरा करेगी। ना ही कांग्रेस रहेगी ना ही बीजेपी रहेगी, रहने वाली है हमारी शिवसेना की सरकार। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ चिड़ार है और मैं युवा शिवसेना से विधानसभा अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ पर बैठक रखी गई थी शिवसेना की ओर से, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे काफ़ी बैरूपियों की आने की संभावना इस बार भी हो रही है आज भाजपा और कांग्रेस भाजपा की तरफ से। आपकी पार्टी ने शिवसेना को किसको प्रत्याशी बनाया है विदिशा से? विदिशा विधानसभा 144 से प्रत्याशी श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी को हमने बनाया है यहाँ से और हम इनको भारी बहुमतों से जिताएंगे और गांव-गांव शहर-शहर तक हम शिवसेना का नाम और सत्येंद्र भैया का नाम पहुंचाएंगे। और काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं, कई गौ माता के मुद्दे हैं और गरीबों के मुद्दे हैं, सामान्य स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। इन पर नेताओं ने बात तो की लेकिन कभी इन पर काम नहीं किया। इन्हीं के कोई एक नेता आए और उन्होंने ये भी कहा था कि जय जवान जय किसान। हमने किसान को मंदसौर जैसे क्षेत्र में गोली खाकर मौत के घाट उतरते देखा है, इसलिए आज शिवसेना चुनाव लड़ेगी और जय जवान जय किसान का नारा ही नहीं, किसान को जवान के जैसी सुविधाएं भी शिवसेना दिलवाने की कोशिश करेगी। सामान्य शिक्षा शिवसेना दिलवाएगी, सामान्य सुरक्षा दिलवाएगी और सामान्य स्वास्थ्य के अधिकार भी शिवसेना यहाँ की जनता को दिलाएगी। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है विदिशा शहर में आपको? विदिशा शहर में तीसरा विकल्प है और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, विकल्प तो तीसरा होगा लेकिन सत्येंद्र भैया का स्थान चुनाव परिणाम में प्रथम होगा, जे हम बताना चाहते हैं। इस प्रकार के रिस्पॉन्स हमको शहर में मिल रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रेयांग भार्गव है। किस चीज़ का कार्य चल रहा है? अभी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है शिवसेना की, जिसमें कुछ पद नियुक्ति की गई है एवं आगामी चुनाव के लिए विशेष चर्चा की गई है और आदित्य जी ठाकरे का जल्दी विदिशा आगमन पर उसके बारे में कार्य किया गया है। किसको प्रत्याशी बनाया है आपके पार्टी शिवसेना ने? हमारे यहाँ से सत्येंद्र सिंह सिसोदिया जी को वार्ड 144 विधानसभा से बनाया है जी। क्या विशेषता है आपको सत्येंद्र भैया की विदिशा शहर में, आपकी पार्टी ने उनको उतारा है? क्योंकि कई विशेषता है, क्योंकि सबसे पहली चीज एक होती है पढ़े लिखा होना, तभी कार्य अच्छा हो पाएगा। और दूसरा, बात तो सभी करते हैं पढ़ाई की और स्वास्थ्य की लेकिन उसको आगे कोई नहीं बढ़ाता है। आज के टाइम पे विदिशा में ऐसी स्थिति है, विदिशा के स्कूल ही नहीं बने बाकी हर चीज़ बन गई है। स्वास्थ्य सुविधा में, स्वास्थ्य तो है लेकिन सुविधा नहीं है वहाँ पर, डॉक्टर ही नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर किसी भी देश को आगे बढ़ाना है, शहर को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए उसकी स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य करना जरूरी है। आप विदिशा की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? बस यही है कि जो सत्य हो इस बार उसको सामने लाएं। कई बैरूपी आएंगे देश विदेश से आएंगे और देश को लूटने की कोशिश करेंगे, शहर को लूटने की कोशिश करेंगे। अपन को उनसे सचेत रहना है और सही प्रत्याशी को चुनना है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी।